आज वीडियो में स्वागत है और एक ब्लॉग फ्लाइंग बीस का जो हमें कल सजेस्ट किया गया है देखने के लिए कौन सा है बताएंगे मौजा। टाइटल है इंडिपेंडेंस डे विद इंडियन आर्मी, तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो इनके चैनल को, उसके लग मैं चैनल का लिंक इंस्टाग्राम के लिंक भी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। भारतीय सेना की जय, भारत माता की जय। यार बहुत बड़ी बात है। वेलकम बैक टू द व्लॉग। सुबह के 7:30 बज रहे हैं। यहाँ पे होने का एक फायदा है, ये सब आर्मी टाइम की बड़ी पक्की होती है। मतलब अगर बोल दिया कि 8 बजे निकलेंगे तो 7:55 पे निकल जाते हैं। भैया सुबह उठ के 7:30 बजे 2 कप चाय दीजिएगा। 7:25 पे ही 2 कप चाय। ऑलरेडी 5 मिनट में थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं। इस बार पक्का पेपर में पता नहीं क्या होगा, भगवान जाने। सो दिस इज द प्लेस, ब्यूटीफुल प्लेस जहाँ हम रह रहे। ये है मेरा रूम। अभी हम लोग आ चुके हैं इस ऑडिटोरियम में। आज ऑल्सो इट इज नो योर आर्मी डे। पीछे ऑडिटोरियम है जहाँ पे फंक्शन होगा। एक्स आर्मी मैन आएंगे, सिविलियंस आएंगे, हम लोग और यहाँ के जो आर्मी मैन है वो भी जाएंगे। अंदर फंक्शन में क्या होने वाला है एज ऑफ नाउ मुझे भी नहीं पता, लेकिन फंक्शन के बाद एवरीबॉडी विल गैदर इन दिस एरिया जहाँ पे हाई टी होगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर कंट्री के पार्ट से जवान आता है, अपना घर छोड़ के ड्यूटी कर रहा है देश के लिए। जम्मू से भी है, साउथ से भी है, बंगाल से भी, मुंबई, फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। सो एज एन जेस्चर, एज अ साइन ऑफ ग्रैटिट्यूड, व्हाट वी हैव डन इज हम लोग कंट्री के हर पार्ट से जवान्स की फेवरेट मिठाई यहाँ पे लेके आए हैं। एंड मैं कहता हूँ टीम है इसके पीछे, तो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ टीम जोमाटो। तो उन्होंने क्या किया, पूरे देश से हर फेवरेट मिठाई यहाँ पे हम लोग लेके आए हैं। और हाई टीम पे यहाँ पे विल सर्व टी और जवान की फेवरेट मिठाई। सो दिस इज द पैकेजिंग जो हम दिल्ली से लाए थे, चैन आराम की मिठाई। ये हमारी चैन आराम की मिठाई है, जोमाटो बॉक्सिंग, और यहाँ पे लिखा इंटर सिटी लेजेंड्स बाय जोमाटो, एंड दिस इज 75 स्वीट ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो सेटअप हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस इसमें मिठाइयाँ आनी बाकी है। ये आगरे का पेठा, फेमस डोडा फ्रॉम जयपुर, पेड़ा ब्रिजवासी मथुरा का स्पेशलिटी, मैसूर पैक बैंगलोर का, बेक कोलकाता का रसगुल्ला। ये क्या है, दिस इज अरे उल्टा लग गया ये जो हमने उल्टा लगा हुआ है। सेनाराम चांदनी चौक की स्पेशलिटी। चाय रेडी है, जस्ट अभी फंक्शन स्टार्ट होने वाला है, 1 आवर चलेगा ना फंक्शन। तो यहाँ पे भी हमने सेटअप किया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे डब्बे हैं बच्चों के लिए, यहाँ पे भी बहुत सारे डब्बे हमारे सेटअप हैं। जब जैसे ऑडिटोरियम फंक्शन खत्म होगा तो यहाँ पे भी लगे हुए हैं, तो बहुत सारे एक्सिट्स हैं जहाँ जहाँ से लोग आएंगे। लेकिन पिक वन बॉक्स, यहाँ पे टी है अपना। यहाँ पे रहते हुए उनको अपने घर की याद अगर आती है तो दे कैन हैव देयर फेवरेट स्वीट, जो रिमेम्बरेंस आती है ना घर की। फंक्शन हो चुका है कंप्लीट एंड नाउ वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स टू एवरीवन। Let's go, 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 go,
पार्टी करें, मिठाई का भारी वाला लाओ, शेल भी भारी वाला लाओ और लाओ। सो वी आर बैक टू आवर रूम। ऑडिटोरियम में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, इतनी ज्यादा चीजें और एक्चुअल फुटेज देखने को मिली। इंडियन आर्मी जब वॉर में एंगेज हुई थी, म्यूजिक के साथ इतने इमोशनल हो गए सब लोग। अभी जा रहे हैं हम ब्रिगेडियर साहब से मिलने, लेकिन उनके लिए मैं गिफ्ट लेके आया था। तो ये लोग कहते हैं जैसे जो दोस्ती होती ना, जो फौज ज्वाइन करके जो दोस्ती होती है, उसके अलग लेवल के मायने होते हैं। क्योंकि जैसे आप दो लोग हैं फ्रंट पे जा रहे हैं, तो बंदा कहता है कि मैं आगे जा रहा हूँ, मुझे कवर फायरिंग देना। तो जो बंदा आगे जा रहा होता है, उसका पूरा भरोसा पीछे वाले पे होता है कि वो कवर फायरिंग देगा और वो अपनी जान उसके हवाले करके देश के लिए आगे बढ़ जाता है। हाँ भाई, मेरा बच्चा सोल्जर्स के लिए कार्ड बनाएगा। ये लो पेंसिल पकड़ो, मैं क्योंकि रशि स्पेशल ग्रीटिंग कार्ड है। हाँ में पसीना आ गया भाई। हार नहीं मानेंगे, मेरा स्ट्रांग बच्चा है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ऊपर कौन सा कलर आएगा? नीचे बीच पे यहाँ पे बनाते हैं जवान, ठीक है, जय हिंद करते हुए। और यहाँ पे मम्मा पापा और यहाँ दादी दादी, जय हिंद करते हुए। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ क्या लिखे अंदर? ऐसा लिख देते कि I love my India। हाँ ये लिख देते हैं, गुड आइडिया रशि, गुड आइडिया, गुड आइडिया। वो एक गाना सुनती हूँ ना, I love my India, I love my India। ये वाला गाना चलो L O O V I love my India। आपको पता है रशि जवान कौन होते हैं? मैं बताता हूँ, अपने जो कंट्री है ना रशि भारत, उसकी भी तो रक्षा करनी पड़ती है। वो अपनी फैमिलीज को छोड़ के अपने देश की रक्षा करें, तो समझ रहे हो? मतलब सोचो, पापा अगर अपने खुद के बच्चों को हमें छोड़ के लेकिन अपने देश की मदद। आर जवान, हाँ, बिल्कुल जवान, जवान। फ्लैग, हाँ, ये क्लाउड्स है और ये आपका कैंप है। दिस इज आर फैमिली, दिस इज गौरव, रितु, दादा, दादी, दिस इज माय वाइफ डॉग कायरा हरसेल्फ एंड पीहू माय यंगर डॉटर टू। व्हेनेवर शी इज ट्रैवलिंग समवेयर, उसको फ्लैग दिखता है ना, पापा फ्लैग, जय हिंद। लेकिन दीज आर द यंग ब्लड एंड यू नो दैट्स सिटीजन, कि वो अभी से ये इनके अंदर एक जज्बा रहेगा, तो वी कैन एक्चुअली इमेजिन कि बचपन से ही अगर मां-बाप की जिम्मेदारी भी है। थैंक्स अ लॉट गौरव, थैंक्स अ लॉट पर्सनली सेड कि ही लाइक्ड योर कार्ड सो मच। सो वी आर बैक टू आवर रूम। एक घंटा पढ़ाई करेंगे, थोड़ा सा लंच करेंगे, सो जाएंगे। 4 बजे हमें दोबारा जाना है वॉर मेमोरियल। चलो ठीक है, मैं लंच कर रहा हूँ, ठीक है आप ओके चलो। दाल चावल रायता और ये शकरकंदी की सब्जी। दोबारा रेडी हो चुके हैं, हैड अ गुड वंडरफुल स्लीप, जिसका ये बेड और ये कंबल साक्षी है। 3:45 पे चाय मंगाई थी। एक चीज यहाँ पे मैं नोटिस कर रहा हूँ, इतनी ज्यादा पंक्चुअलिटी है यहाँ पे। 3:50 निकलना था, मैं गरम चाय पी के निकलेंगे, 3:45 सर एक चाय ले आना। इट इज 3:45 राइट नाउ। लाइफ में सक्सेसफुल होने की एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है पंक्चुअल होना। तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं त्रिशक्ति हेरिटेज ब्लॉक में। आई एम गुड, वेलकम टू द त्रिशक्ति कोर म्यूजियम। ट्राइबल्स आर कट ऑफ फ्रॉम दिस सिविलाइजेशन, इसलिए वो एक ट्राइब अपने आप को प्रिजर्व करते हैं। बट ये बो बनाने, एरो बनाने की आर्ट भी, उनको शार्प करना, उस मेटल को उस शेप पे काटना, मेटल का है ये अगर घुस जाना कितना डैमेज करेगा। नहीं हम दिन में भी देखें ना, बुलेट बुलेट के आगे इतना सा निकलता है, सर कह रहे थे वो घुसता है। तो इमेजिन दैट कंपेयर टू दिस पीपल
गेट कंफ्यूज्ड कि दार्जिलिंग सिक्किम में है कि वेस्ट बंगाल में. दार्जिलिंग इज अ पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल. ये दार्जिलिंग दिस नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल. एंड आउट ऑफ ऑल दीज जनरल ऑफिसर कमांडिंग देयर आर थ्री जनरल्स हु वेंट ऑन टू बिकम द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया. कौन सी पबजी वाले बड़े रिलेट करेंगे इससे. 7.62 उठाते हैं, 4.1 उठाते हैं, पता नहीं कुछ पता ही नहीं है इसका. वो बता बांग्लादेश वॉर के लिए ये पाकिस्तानी आर्मी ने पूरा अपना मार्किंग किया हुआ है कि उनकी कौन सी फोर्स कहां पे डिप्लॉयड होगी. सो कैप्चर्ड एंड देयर प्लान्स वर हमने कैप्चर्ड चाइनीज थे. ये बेसिकली लाइन से कनेक्टेड रहते हैं वायर से. हरभजन सिंह 67 में सैक्रिफाइस किया. हाँ जी, हाँ जी, जिनका मुख पर मंदिर है. हाँ जी, जो मंदिर है बाबा. सर जो शहीद हो गए उनका स्मारक मत जी हमेशा जूते उतार के देखा. आप केवल सफल पायलट ही नहीं बल्कि मशहूर यूट्यूबर और फिटनेस कोच भी हैं. अपने बीच पाकर बड़ी खुशी एवं आनंद अनुभव कर रहे हैं. आप हमारे बीच हैं. आप सबका धन्यवाद हमें बुलाने के लिए. गौरवान्वित मैं महसूस कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में. मुझे बताया गया था कि यहाँ पे जो जवान हैं चाय के बहुत शौकीन हैं. शाम को चाय होती है तो जो एज अ साइन ऑफ ग्रैटिट्यूड धन्यवाद तो हम नहीं कर सकते आपका, लेकिन कोशिश करेंगे. इसलिए मैं चाहता हूँ आज आप लोगों के लिए चाय मैं अपने हाथों से बनाऊं. इतनी लार्ज क्वांटिटी में कभी मैंने बनाई नहीं, मुझे थोड़ा घबराहट भी लगता है कि ऊपर नीचे ना हो जाए, बट अपनी पूरी कोशिश करेंगे. और साथ ही साथ आप लोगों के लिए देश के विभिन्न कोनों से कुछ मिठाई लाए हैं, जिसमें कि जोमैटो ने हमारे साथ पार्टनर करके हमारी हेल्प किया उसमें. तो घर से दूर आप लोग हैं हमारी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए. इसलिए छोटी सी कोशिश हमारी तरफ से कि आपको आज आपके साथ बैठ के चाय पिए और कुछ आपके साथ आपकी स्टोरीज हम शेयर करें. बता क्या करूँगा क्योंकि मेरे को प्रेशर बहुत है, चाय अच्छी बननी चाहिए. अंदाजे से कर दूंगा ना, ये हलवाई वाला हाथ है नहीं मेरा तो. ये हमारे जैसे वो ओके न्यू साइबर भर्ती हो के अभी जस्ट आया 3 days. सो यू विल स्टार्ट विद हिम. इसमें कुछ अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं जिसने इंटरनेशनल खेला हुआ एशियाड ओलंपिक्स में. सो सर ने बताया देयर इज अ आर्मी ट्रेडिशन कि जब तक सब लोग अपना कप नहीं भर लेंगे और जहन मतलब जहन नहीं बोलेंगे कप के साथ तो नोबडी स्टार्ट्स टू हैव द टीम. हम भी ले लेते हैं, हम भी आज. कैन वी डू इट विद यू? एब्सोल्युटली. जय हिंद. जय हिंद. बस बढ़िया बढ़िया अच्छा. आप लोग के लिए कुछ मिठाइयाँ भी हैं चाय के साथ. वी हैव गॉट सम स्वीट्स इन कोलैबोरेशन विद जोमैटो. जयपुर से बेसन लड्डू लाए हैं, ये आगरा का पेठा फेमस. बैंगलोर से मैसूर पाक बेक्ड रसगुल्ला है ये. तो हर जगह की स्पेशलिटी हमने कोशिश की है ले जाने की. और ये है मथुरा का पेड़ा. लास्ट में ये असॉर्टेड बड़ी फेमस प्रेजेंटेशन की थी ना. थैंक यू सो मच. इट इज़ रियली अ फॉर्चून दैट यू आर विद अस टुडे. एंड कहते हैं पलों की और समय की बहुत महत्व होता है. तो आई थिंक द यूनिट एज सच विल ऑलवेज रिमेंबर यू एंड चेरिश दिस मोमेंट ऑल द मोर यू प्रिपेयर दिस टी फॉर अस. सो इट मींस अ लॉट टू अस. वी विल ऑल्सो रेसिप्रोकेट. धन्यवाद. थैंक यू सो मच. का बड़ा
बड़ा योगदान था चाय बनवाने में हमारे साथ, उन्होंने थोड़ी लाज हमारी रखी है। भारतीय सेना की जय, भारतीय सेना की जय, भारतीय सेना की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बैक टू आर होम, आज के ब्लॉग को यहाँ करते हैं समाप्त। आज भी थोड़ा लेट हो गए, दो दिन बाद एग्जाम है। जब आप ये वीडियो देखेंगे तब शायद मेरी एग्जाम में ऑलरेडी चिथड़ा हो चुकी होगी। डिपेंड्स कि अगले दो दिन में मैं कितनी पढ़ाई करता हूँ, बट दो दिन में लग रहा है क्या उखाड़ पाऊंगा, क्योंकि इस बार ओपन बुक भी नहीं है। हालांकि डिनर बहुत अच्छा था, सारे ऑफिसर्स वहाँ आए थे, आर्मी के बारे में बहुत कुछ जाना। आर्मी के लिए जो रिस्पेक्ट हमेशा से थी वो बहुत ही ज़्यादा 2-fold, 3-fold, 4-fold हो चुकी है, एंड आई जस्ट फील वेरी प्राउड being a citizen and I feel very very safe sitting in our homes. इस ब्लॉग को करते समाप्त, अपना ख्याल रखें, मैं जाता हूँ थोड़ी सी पढ़ाई कर लेता हूँ, भैया इस बार तो लग चुकी है। भाई आर्मी के लोगों की बात करें तो वाकई उनकी एक क्वालिटी होती है कि वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा पंचुअल होते हैं और सख्त जान भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल, लेकिन इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी गौरव सर को, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जिस तरीके से इंडिपेंडेंस डे में उनको इन्वाइट किया गया और उन्होंने एक उनके मतलब जो आर्मी के जितने भी लोग थे उनके साथ हाईटी का एक छोटा सा इवेंट जो है वो सेलिब्रेट किया, उनके लिए सारी चीज़ें जो है वो अरेंज, तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी भी लगी। और सीरियसली आपको वाकई में अच्छा लगता है जब आप इतनी डिसिप्लिन्ड लाइफ और स्पेशली आर्मी के लोगों को देखते हो कि उनका किस तरीके से एक रहना सहना होता है, और क्योंकि मुझे लगता है कि जो कॉमन सिटीजन होते हैं उनका इतना ज़्यादा इंटरेक्शन भी नहीं होता, और दूसरा ये कि आर्मी के मतलब जिस तरीके से एक म्यूजियम भी दिखाएगा, मुझे नहीं पता कि मतलब ये जो आम लोग हैं उनकी एक्सेस है वहाँ पर या नहीं, बट ये ऐसी स्पेशल चीज़ें होती हैं जो कि हर बंदा जो है उसको देखना चाहता है। और वॉर मेमोरियल में भी 1967 और 1971 के लिहाज से जो है वो भी मतलब मैंशन किया गया, आई थिंक जो लोग उस टाइम पर शहीद हो गए थे उनके बारे में भी बताया गया हो। और मैं ये बात सोचती हूँ कि चाहे जंग किसी भी मुल्क के बीच में हो और किसी भी कंट्री के जो जवान है वो शहीद हो, दुख सबको होता है, ऐसा नहीं कभी भी होता कि अगर मतलब दो मतलब कंट्रीज ऐसे हैं और वो आपस में उनकी दोस्ती नहीं बन पाती किसी रीजन की वजह से तो आपको दुख नहीं होता। मुझे लगता है कि जहां जहां पर जो अपने अपने प्यारों को खोता है ना उनको जरूर दुख होता है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक बीच में मतलब इवेंट हुआ और सब शहीदों को याद किया गया, जैसे कुछ फुटेजेस हम लोगों ने बीच में देखी, मैं ये चीज इमेजिन कर सकती हूँ कि लाइक जितने भी वहां पर लोग बैठे होंगे उनके इमोशंस उस टाइम पर क्या होंगे, क्योंकि आपकी आंखों में वाकई में आंसू आ जाते हैं। यार इसमें कोई शक नहीं कि क्या नाम लेते हैं जो हमने बीच में वॉर मेमोरियल देखा, एक फुटेज देखी, तो वहां से निकलने के बाद गौरव सर ने भी कहा कि वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे, क्योंकि एक तो वो जो सीन देख रहे थे वो, और फिर उसके बाद अब एक ऐसी जगह पे मौजूद है कि जहाँ पर आपको जो है ना वो वाइब्स आती है, तो इस वजह से आप काफी ज्यादा चीज को जो है ना वो महसूस करते हैं। फिर उसके बाद ये जो है ना मेरा ख्याल है जितना भी इवेंट रहा ना, जितने दिन भी वहां पे रहे, गौरव सर के लिए भी एक प्राउड मोमेंट होगा कि उन्होंने जो है ये वाकई जिंदगी की एक अचीवमेंट है कि आप जो है एक इंडिपेंडेंस वाले दिन इस तरह की सेरेमनी जिसमें एक बंदे की एक्सेस बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, खासतौर पर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इंडिपेंडेंस डे की जो सेरेमनीज होती है काफी मुश्किल एक्सेस होती है, तो अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा जो है उनकी बड़ी अचीवमेंट। हाँ बिल्कुल, पहले हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज देखे हैं, फिर क्रिकेट की बहुत सारी पर्सनालिटीज देखी हैं कि जो आर्मी के साथ मतलब डिफरेंट इवेंट्स में गए हैं, लेकिन जो व्लॉगर के लिहाज से मैं बात करूं मुझे लगता है मैंने फर्स्ट टाइम गौरव सर को ही देखा है। हाँ, मतलब मैंने भी वैसे नहीं देखा, हो सकता है कि पहले कोई व्लॉगर गए हो, बट हम लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा, तो मुझे तो वाकई में ये चीज देख देख कर हो रही थी कि लाइक उनके लिए कितना प्राउड मोमेंट है कि उनको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है।
और दूसरा मैं यहाँ पर ये बात कर रही थी कि जब मैं पहले ही बात हो रही थी ना कि मतलब चाहे इंडिया और पाकिस्तान के लोग आपस में जितना मर्जी गुस्सा हो इनके बीच में और ये कहें कि हमें दुख नहीं होता एक दूसरे का, मैं इस चीज़ को इसलिए नहीं मानती क्योंकि जब भी बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो इंडिया के पेट्रियाटिक सॉन्ग हैं पाकिस्तान में इतने ज़्यादा सुने जाते हैं और जब सुनते हैं लोग तो वो बिल्कुल ज़रूर उनकी आंखों में आंसू आते हैं और उसकी सबसे बड़े जो रिसेंट मैं अभी बताऊंगी तेरी मिट्टी एग्जैक्टली फिर उसके बाद ए वतन वतन हाँ लेकिन तेरी मिट्टी जो है ना उसमें हाँ। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा है कि जो इमोशनल नहीं होता, तो अगर आपका आपस में कनेक्शन ना हो ना तो फिर मैं मान सकती हूँ कि ठीक है भाई आप पर असर नहीं होता अल्फाज में, लेकिन कुछ ना कुछ तो है मिलता जुलता जिसकी वजह से लोग जो वो इमोशनल होते हैं। बट ये कि ओवरऑल जो डिसिप्लिन की अगर हम लोग बात करें वैसे मुझे बहुत पसंद आता है, हालांकि मैं खुद डिसिप्लिन इतनी नहीं हूँ अपनी लाइफ में, बट मुझे लगता है कि जो आर्मी ऑफिसर्स का जो एक लाइफस्टाइल रहता है ना, आई मीन जिस तरह जो उनकी जिस तरह से गौरव सर ने भी बोला कि 5 मिनट पहले तैयार हो जाना या पूरे टाइम पर जो है आपको चीज मिल जाना और क्या नाम लेते हैं, वाकई ये चीज एग्री मैं करता हूँ कि आर्मी की जो लाइफ होती है ना वो काफी ज्यादा डिसिप्लिन होती है, आपको जो है ना जो टाइम टारगेट दिया जाता है आपने उसमें वो चीज करनी ही करनी होती है, बेशक अगला बंदा जागे ना जागे सोया हो आपने वो काम करना ही करना है। सोया जो बाकी लोग होते हैं नहीं, मैं उनकी बात नहीं कह रहा मैं ऐसे हाँ आम लोगों की अप्रोच हमेशा ये रहती है अच्छा 5 मिनट लेट हो जाएंगे ना तो क्या हो गया, लेकिन ये देखो 5 मिनट पहले तैयार बहुत वो 5 मिनट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोग तो क्या नाम लेते हैं चलो कोई बात नहीं 7 बजे जाना था हम 8 बजे पहुंचे कि खैर है वहां पे कौन सा कुछ हो जाना है, लेकिन कुछ इदारे ऐसे होते हैं जहां पर जो है टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। ट्रू, वैसे मैं भी ये बात आती कि हम लोग कितना लाइटली लेते हैं चीजों को कि नहीं क्या हो गया 1-2 मिनट लेट है 5 मिनट लेट है 1 घंटा लेट है ना इससे ज्यादा तो लेट है, लेकिन टाइम की वैल्यू जिन लोगों को पता होती है वही अपनी लाइफ में कामयाब होते हैं और इसीलिए वो आगे होते हैं लाइफ में। और भाई एक और चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि जिस तरीके से जो क्यारा हम बोलेंगे रशबरी को अच्छा। सही नाम तो क्यारा ना जो गौरव सर की बेटी है, उन्होंने जैसे मतलब एक कार्ड बनाकर मुझे लगता है ये एक अच्छी चीज है, उसकी रीजन ये कि आप अपने बच्चों को सिखा रहे हो तो बचपन से कि आपको किस तरीके से रिस्पेक्ट करनी है, आपके अंदर एक अपने वतन के लिए जज्बा जो है एक जो एलिमेंट होता है ना रिस्पेक्ट का वो फिर कहने लगते पूरी जिंदगी साथ चलता है। वालदैन शुरू से इस चीज को यू नो आपकी अपब्रिंगिंग का हिस्सा बना देते हैं ना तो मुझे लगता है कि वो चीज हमेशा आप साथ लेकर चलते हो। एनीवे ओवरऑल बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत एक वीडियो थी और मिठाइयों की बात करें तो बहुत सारी मिठाइयां हमने बीच में से नहीं खाई हुई नाम भी नहीं सुना बट ओवरऑल मुझे देखकर बहुत ज्यादा मजा आया एंड आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। इसी के साथ गुड बाय।